जनाब ऑनरेबल अर्जी तालियों का जोरदार गूंज होना चाहिए। शाबाश। ये इस वादी के मायनाज आप स्टूडेंट रहे हैं, एग्जाम क्रॉस किया है, क्वालिफाई किया है इंटी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और अब जो हमारे हैं इरशाद अहमद, ये तो बड़े बहुत ब्रिलियंट क्रिकेटर है। मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं बात अपनी शुरू करूं उसके पहले कल कुलगांव में आतंकवादियों द्वारा जो घटना हुई उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। भारत माता के वीर सपूत शहीद निसार अहमद को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और शोक की इस घड़ी में उनके परिवार वालों को के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उस परिवार से कहना चाहता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपके साथ खड़ा है। यहां के बहुसंख्यक लोग भी आपके परिवार के साथ हैं और भविष्य में भी आपके परिवार को कोई दिक्कत ना हो इसकी सब लोग मिलकर के चिंता करेंगे। कल रात की यह घटना है और इसलिए यह जरूरी था ना कि कायर आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर का प्रशासन झुकेगा नहीं, यहां की आवाम झुकेगी नहीं। और कुछ लोग अगर चाहते हैं दहशत पैदा करना, पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र के अगर शिकार हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब यहां अब आतंकवाद के लिए जगह नहीं रहेगी। यहां की आवाम भी यही चाहती है। अनेक परिवार उजाड़ हो गए, वीरान हो गए। कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि में यहां के नौजवानों की पूरी पीढ़ी तबाह कर दी। आज आवश्यकता है, दुनिया और देश जिस तरह से बदल रहा है, यहां के लोग भी उस तरक्की में जुड़ सके, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। यहां के अनेक मानिंद लोग भी इस काम में जुटे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस पूरे कुंडवैली में एक वातावरण बनाया है कि अमन हो, शांति हो, पीस और प्रॉस्पेरिटी हो। जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद की मदद करेगा उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहादुर शहीद निसार अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है कहना आज आवश्यक हो गया है। यहां की धरती में यदि देखें तो ये संतों की, सूफी फकीरों की धरती है। यहां किसी भी तरह की हिंसा या गुनाह खुदा के दिखाए रास्ते के खिलाफ है। देखिए, मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं इस वैली में कुछ नौजवानों ने पिछले कई वर्षों से कोशिश की। कई नौजवान फॉरेस्ट सर्विस में आए हैं, क्या एक नौजवान सेकेंड रैंक पाया है कौन सर्विस में। ये ऐसे ही नौजवान यहाँ के लिए प्रेरणा बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण के जम्मू कश्मीर की तरक्की के काम में जुटेगा। पीस एंड डेवलपमेंट के लिए इस तरह के प्रोग्राम करने की कितनी ज़रूरत है कि काफ़ी हुआ है? मुझे लगता है कि कोशिश हम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रोज ही प्रोग्राम हो रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक हो रहे हैं, आप चाहेंगे तो रात को भी होंगे। आपने इस तरह पहला प्रोग्राम यहाँ किया, किस तरह आपने महसूस किया? पहली बार आज जो है एक बदलाव था आपकी टोन में भी और एक डायरेक्ट मैसेज था कि मतलब यूथ को जो है बहुत। मुझे लगता है कि समय की आवश्यकता है। अब लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और हम अभी उन्हीं बातों में अगर जूझते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी पीढ़ियाँ आने वाली हमको माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए सबको मिल करके अमन के लिए, शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए और यहाँ की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए काम करने की जरूरत है।